ये आपका स्प्लिट एसी का वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव यानी कि इनडोर से लेकर के आउटडोर आपको वायरिंग डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इनडोर दिया हुआ है यानी कि उसमें नेगेटिव बोर्ड हम पूरा कनेक्शन कर दिए। अब पॉजिटिव बोर्ड के द्वारा हम समझाते निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नेगेटिव बोर्ड समझ लेते हैं। तो नेगेटिव बोर्ड में नेगेटिव बोर्ड लिए, इनडोर मेन पावर सप्लाई लिए, वहाँ से दिए मेरा अंदर। अब वहाँ सप्लाई काचे तक पीसीबी पे जाता है और पीसीबी जस्ट जिस पॉइंट पर जाएगा इनपुट होगा मेरा, उसी पॉइंट से काचे यानी कि डायरेक्ट समझ लीजिए कि जो इनपुट यहाँ से दिया ना, यहाँ से वही सप्लाई यहीं समझिएगा आउटपुट डायरेक्टली बाहर निकल रहा। जहाँ पर देते हैं वहीं से निकल कर नेगेटिव मेरा कहाँ चल जाता है, आउटडोर पे। आउटडोर में कॉन्डक्टर पर चल जाता है और कॉन्डक्टर से जब मेरा पॉजिटिव वोल्ट मिलता है तो यही प्लस वोल्ट क्या चीज़ होता है कि आउटपुट यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। यही प्लस वोल्ट जो है मेरा यहाँ से इस द्वारा पार कर नेगेटिव वोल्ट दोनों के कॉमन पर चल जाएगा, ठीक है, या फिर रनिंग स्टार्टिंग कर दीजिए कैपेसिटर लगा करके। ये चीज़ तो हो गया नेगेटिव वोल्ट का। और कॉन्डक्टर को ऑन करने के लिए मैं कॉन्डक्टर के सिरा पर कॉल वाला सिरा पे उस पर भी दे दिया गया। अब प्लस के प्लस वोल्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो प्लस वोल्ट हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मैंने सप्लाई लिए प्लस वोल्ट हो गया ये मेरा। अब यहाँ से मैं प्लस वोल्ट दिए तो ये मेरा आगे इनपुट होगा। अब यहाँ से जब प्लस वोल्ट चलेगा तो मेरा कहाँ चल जाएगा, कंप्रेसर रिले पर, याद रखिएगा कहाँ चल जाएगा मेरा ये कंप्रेसर रिले पर। जब कंप्रेसर रिले पर चल जाएगा तो ये इनडोर मेरा पूरा काम करना चालू कर देगा। इनडोर में जो भी सामान लगा हुआ है वो सारा काम करना चालू कर देगा। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मैक्सिमम 5 मिनट आपको टाइम लगा इनडोर। उसके बाद आउटडोर के लिए सप्लाई छोड़ देता है। तो यानी कि इनडोर में हम सप्लाई दिए ना, आप किसी किसी में देखते हैं 3 यानी 2 पिन जो कॉन्टेक्टर वाला हम देते हैं ये 2 पिन पॉजिटिव जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉजिटिव वोल्ट एक जो दिया इनपुट उसी वक्त यहाँ से निकल करके यहाँ से डायरेक्टली ये इसमें चला आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये मेरा यहाँ आया तो यहाँ से क्या हुआ ये बाईपास हुआ, फिर यहाँ आया और यहाँ से डायरेक्टली मेरा क्या होगा इस पॉइंट पर आया और ये पॉइंट भी मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के लिए चल जाएगा। चलिए कॉन्टेक्टर प्लस वोल्ट आ गया, यानी ये मेरा डायरेक्ट आ चुका है। अब मेरा अभी भी मेरा आउटपुट सप्लाई कंप्रेसर को और फैन मोटर को नहीं मिला है। अब प्लस वोल्ट कब मिलेगा, जब मेरा इनडोर जो रिले है 3 मिनट बताया था अभी तुरंत मैक्सिमम 5 मिनट तक, यानी 3 मिनट बाद ये मेरा जगह लाइन को जब ऑन कर देगा तो यहाँ से मेरा क्या करेगा रिले कंप्रेसर रिले ये मेरा लाइन को ऑन करता है। जब ये मेरा जब लाइन को ऑन करेगा कंप्रेसर रिले तो इस पॉइंट सप्लाई छूटता है, प्लस वोल्ट सप्लाई छूटेगा और ये मेरा कहाँ चला जाएगा इस सिरा पा जाएगा और यहाँ से मैं निकलेगा सप्लाई। और यहाँ जब निकलेगा तो डायरेक्टली मेरा कहाँ पहुँच जाएगा आउटडोर के कॉन्ट्रेक्टर के पास। ये मेरा जैक है, इसको टर्मिनल अरे ये क्या कहते हैं टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ पाया और ये मेरा कच्चे हुआ तार जुटा। अब यहाँ से अब निकलेगा डायरेक्टली मेरा कहाँ चल जाएगा कॉयल वाले सिरा पर। ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर कहाँ चल जाएगा मेरा ये कॉयल वाले सिरा पर। जखन यहाँ पर पहुँचेगा प्लस वोल्ट यानी 3 मिनट बाद जखन यहाँ सप्लाई छोड़ेगा और पहुँचेगा तो कॉन्ट्रेक्टर को प्रॉपर वोल्टेज की जरूरत होता है। यानी कॉन्ट्रेक्टर जब तक प्रॉपर वोल्टेज 220 240 नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा सही तरीके से। सेफ्टी के रूप में एक दस काम किया हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जखन इसको जो है आउटपुट छोड़ेगा तो मेरा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा और जो निगेटिव वोल्ट है इधर पास करना चालू हो जाएगा और पॉजिटिव वोल्ट भी इधर पास करना चालू हो जाएगा, ठीक है। किसी दिन सिंगल पोल देगा, निगेटिव वोल्ट डायरेक्ट यहीं से कनेक्शन कर देगा और यहीं पर डायरेक्ट निगेटिव वोल्ट देगा और पॉजिटिव इधर देगा तो सिर्फ पॉजिटिव पास करेगा, ठीक है। इस तरह मैं सिंगल पोल था और डबल पोल इससे डबल पास करता। अब जब प्लस वोल्ट इधर से पास करेगा इधर तो ये सप्लाई भी प्लस वोल्ट यहाँ से निकलेगा और कहाँ चल जाएगा, जब यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर बनाते हैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट कैपेसिटर पर देते हैं और एक कैपेसिटर से आउटपुट छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहीं से मैं डायरेक्टली लेंगे तो डायरेक्टली निकल कहाँ चल जाएगा कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर, ठीक है। डायरेक्ट जब भी जाएगा तो याद रखना कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर। और कैपेसिटर से आउटपुट निकलेगा, कैपेसिटर से आउटपुट निकलेगा तो ये मेरा कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये मेरा कंप्रेसर का वायरिंग होता है, CSR वायरिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहीं से मेरा क्या मेन सप्लाई जो आया प्लस वोल्ट, यहीं से मेरा मेन सप्लाई आगे भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ चल जाएगा मेरा ये डायरेक्ट जाएगा तो रनिंग पे। और एक कैपेसिटर अगर बनाते हैं तो यहीं से मेरा क्या चाहिए कैपेसिटर पर गया और कैपेसिटर से निकलने के बाद मेरा ये स्टार्टिंग पे, यानी डायरेक्ट एक सप्लाई पंखा मोटर पे भी जाएगा तो मेरा डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा रनिंग पे और कैपेसिटर से होकर के जाएगा तो स्टार्टिंग पे। यानी कि यहाँ जो हम लकीर बीच में दे दिए हैं इसे करके तो वहाँ से मेरा ये आउटडोर का वायरिंग चालू होता और उससे पहले मेरा इनडोर का वायरिंग रहता। इस तरह से मेरा इनडोर टू आउटडोर वायरिंग
पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।